हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में हम 10th क्लास की ज्योग्राफी का पहला चैप्टर कवर करेंगे। आज से 10th क्लास की ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाती है और इसमें हम संसाधन एवं विकास जो पहला चैप्टर है वो कवर करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जो राष्ट्रीय संसाधन क्या क्या होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या क्या होते हैं, एजेंडा 21 के बारे में जानेंगे, रियो डी जेनेरो सम्मेलन 1992 उसके बारे में जानेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसमें इस लेक्चर में वो हम समझेंगे कि मृदा, जो भारत की मृदा के मुख्य प्रकार हैं उन सबको हम समझेंगे विस्तार से, क्योंकि इस पर बहुत क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। तो इसे आप अंत तक देखते रहिए, इसमें बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये समझने के लिए पहले हम इस मैप को समझ लेते हैं। देखिए, भारत की जो मृदा हैं उनको, जैसे ये ग्रीन यहाँ से समझाया गया है कि पर्वत और वन, तो जो ग्रीन से हम देख रहे हैं हरे रंग से जो कुछ भी क्षेत्र हैं वो पर्वतीय क्षेत्र हैं, तो यहाँ की मृदा पर्वतीय है। ठीक है, इस मृदा को पर्वत और वन मृदा, जितना भी ग्रीन से है ये पर्वतीय। अच्छा, भारत की जो सबसे मुख्य मृदा है वो है जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जलोढ़ मृदा कहाँ तक है, जो ये जलोढ़ मृदा का है रंग, इस रंग से पूरा उत्तरी मैदान है और पूर्वी क्षेत्र में ये गुजरात का कुछ भाग, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो है पूर्वी तट से। तो भारत का पूर्वी तट जो है वो पूरा ही जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, और सभी नदियों के डेल्टा, जैसे जो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो नदियाँ हैं, इन सबके डेल्टा जलोढ़ मृदा से बने हुए हैं। ये देखिए, ये पूरा ही पूर्वी तट जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि लाल और पीली जो मृदा है उसका क्षेत्र क्या क्या है, ये क्षेत्र जो भी है, ठीक है, और काली मृदा का जो सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश वगैरह, महाराष्ट्र का क्षेत्र है, यहाँ काली मृदा पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट ये पश्चिमी तट के हिस्से में ये जो देख रहे हैं, और ओके, उसके बाद शुष्क मृदा, ठीक है, ये सब मृदा हम देखेंगे। अच्छा, इसमें और हम देखेंगे कि विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र जो भारत का है वो समुद्र में, वो कहाँ तक होता है, नॉटिकल माइल्स क्या होता है ये बताएंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास की एनसीईआरटी का, जिसे मैंने बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए विस्तार से मैंने नोट कर लिया है। राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं? तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे मान लीजिए तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे ही संसाधन राष्ट्रीय हैं, जैसे मान लीजिए कहीं रेलवे लाइन बिछाई जा रही है और उसके सामने से किसी व्यक्ति का खेत, उसकी ज़मीन पड़ रही है, तो सरकार को, गवर्नमेंट को ये अधिकार है, कानूनी अधिकार है कि वो उसे कब्जा कर सकती है, उसे अधिग्रहित कर सकती है, लेकिन उसके बदले में उसको मुआवजा, जो राशि उसको मिल जाती है, उसको पैसा दे दिया जाता है उतना, लेकिन कोई मना नहीं कर सकता है, सरकार को अधिकार है, पूरा कानूनी अधिकार है कब्जा करने का। हाँ, उदाहरण के तौर पर जैसे सड़कें, नहरें, रेलवे लाइन आदि व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई हैं, मतलब ये किसी न किसी की खेतों से गुजरी हुई हैं। ओके, शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है शहरी विकास प्राधिकरण को, ठीक है। राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र, भूभागीय समुद्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा हैं। तो यहाँ पर थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। एक समुद्री मील 1.8 किलोमीटर का होता है, वैसे तो एक मील 1.6 किलोमीटर का होता है, लेकिन एक समुद्री मील जो होता है, नॉटिकल माइल्स, वो 1.8 किलोमीटर का होता है, ठीक है। तो जो भारत की जो समुद्री तट है वहाँ से 12 समुद्री मील तक, भारत के जो तट है उससे 12 समुद्री मील दूरी तक उसकी प्रादेशिक सीमा है भारत की, और यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, शायद हाँ बाद में पढ़ेंगे, उसके बाद 200 समुद्री मील तक, जो आधार रेखा भारत की है। भारत की आधार रेखा क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं।
अब देखिए भारत का जो तट है वो टेढ़ा वेढ़ा है, ठीक है, उस टेढ़े वेढ़े तट को एक आधार रेखा से मिला दिया गया है, आधार रेखा बना दी गई उसकी, और उस आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक भारत की प्रादेशिक सीमा है, वहां पर भारत को पूरी तरीके से स्वतंत्रता है कुछ भी करने की, ठीक है, चाहे जैसे उसका उपयोग करें, और इसी आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं? कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी, यहाँ पे थोड़ा सा आप सही कर लें, ये 200 समुद्री मील होगा, ठीक है, की दूरी अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से परे खुले महासागरीय संसाधन पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है। मतलब कि दोस भारत के की आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक तो भारत का अधिकार है, वहाँ पर भारत रिसर्च कर सकता है उस क्षेत्र में और वहाँ के संसाधनों का उपयोग कर सकता है, और 200 समुद्री मील के आगे वहाँ पर सभी राष्ट्रों का समान अधिकार है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत, ठीक है, ओके। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता, मतलब 200 समुद्री मील के बाद का जो समुद्र में जो क्षेत्र है उस पर जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनसे सहमति लेनी पड़ती है, तब हम उनका उपयोग कर सकते हैं। नोट, भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी से मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है। ये मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार जिस प्रकार मिला हुआ है तो ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से मिला हुआ है, ठीक है। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करें। तो सतत पोषणीय विकास का अर्थ यह हो गया कि विकास तो होता रहे लेकिन उस विकास से पर्यावरण को बिल्कुल नुकसान ना पहुंचे, और कहीं ऐसा ना हो कि हम सारे संसाधनों का उपयोग कर डालें और भविष्य के लिए, भविष्य की पीढ़ियों के लिए कुछ ना बचे, ठीक है, तो हम इससे बचें, ठीक है, उस उनकी आवश्यकताओं को हम समझते हुए तब विकास करें, तो ऐसे विकास को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कब हुआ था, किस सन में हुआ था, कहाँ हुआ था, ठीक है, इसे और दूसरे नाम किस नाम से जानते हैं, एजेंडा 21 क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992, जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील में रियो डी जे ये रियो जो है जहाँ ओलंपिक्स भी होते हैं पिछली बार, ये ब्राजील का एक शहर है, वहीं पर हुआ था ये रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, इस नाम से जाना जाता है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्र हुए। सम्मेलन का आयोजन पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था, ठीक है, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल और पर्यावरण संरक्षण था इसका उद्देश्य। सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों मतलब फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर सहमति जताई और 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। किस एजेंडे को स्वीकृति प्रदान की? एजेंडा 21 कब प्रदान की? 1992 में। किस सम्मेलन में? रियो डी जेनेरो 1992 सम्मेलन में, यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इनमें से, ठीक है। एजेंडा 21 क्या होता है, ये नाम, इसका अर्थ क्या है? यह एक घोषणा पत्र है जिसे 1992 में रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED, आप हिंदी में याद रखें, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, ठीक है, के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, ये इंपॉर्टेंट है, इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है, ठीक है, मतलब ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे और भविष्य की पीढ़ियों की अवहेलना भी ना हो, ओके। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना भी है। गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की। देखिए यहाँ पर ये मैंने इसलिए नोट कर लिया था, ये तो गांधी जी के खुद के अपने विचार हैं, अक्सर निबंध जो पूछे जाते हैं पर्यावरण से संबंधित तो हम उनमें कोटेशंस डाल देते हैं तो हमारा निबंध काफ़ी प्रभावी हो जाता है, तो इस वजह से
हर क्षेत्र में गांधी जी के विचार हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी महापुरुषों के। तो पर्यावरण पर या संसाधनों पर गांधी जी के क्या विचार हैं, अगर इस तरीके का कोई निबंध आता है तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमारे पास, गांधी जी ने कहा था, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ठीक है, तो ये कोटेशन जब भी आप ऐसे लिखें तो ये कोटेशन इसका यूज कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत में मैदान 43% है टोटल भूक्षेत्र का, टोटल मतलब मैदान 43, भारत का टोटल जो एरिया है जो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, उसमें 43% मैदान है, भूक्षेत्र है, उस पर कृषि और उद्योग चलते हैं। पर्वतीय क्षेत्र 30% है और पठार 27% है। पर्वतीय क्षेत्र में नदियां हैं और पर्यटन का बहुत बड़ा स्रोत है। ठीक है, पठार ये खनिजों के अकूत भंडार हैं, इसमें बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जीवाश्म ईंधन, कोयला निकाला जाता है, पेट्रोलियम वगैरह निकाला जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं इसमें पठारों में। ओके, भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। ओके, पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ, जैसे माना जाए तो पंजाब और हरियाणा में काफ़ी ज़्यादा भूमि पर खेती हो जाती है, वहाँ की उपजाऊ भूमि है। ओके, और सबसे कम अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, यहाँ 10% से भी कम क्षेत्र बोया जा सकता है। हमारे क्षेत्र में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है। मतलब कि जो राष्ट्रीय वन नीति लागू हुई थी 1952 में, उसमें ये कहा गया था कि पूरा जो क्षेत्र है भारत का उसका 33% क्षेत्र पर वन होना जरूरी है, कंपलसरी। ठीक है, लेकिन इसकी तुलना में वन के क्षेत्र काफ़ी कम है, लगभग 23% अगर टोटल ऐड कर दिया जाए, 20 तो हमने पिछली एनसीईआरटीज में देखा था, वृक्षावरण और वनावरण टोटल मिला के 23.81% कुछ हो रहा था। ठीक है, हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। ठीक है, सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर, सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। पहले तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि कौन सा पत्थर यूज होता है, को पीसा जाता है, उसी से सीमेंट बनाई जाती है। और मृदा बर्तन उद्योग में जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं वहाँ पर खड़िया या चूना यूज होता है, और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित हो जाती है, इतनी धूल उड़ती है और ये धूल वापस जब पृथ्वी पर जम जाती, भूमि पर जम जाती है, तो क्या होता है कि मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया रुक जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इसे मैंने बुलेट पॉइंट्स में नोट कर रखा है जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी या मृदा, इसको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं लेकिन नवीकरण है, मतलब ये नवीन होती, मतलब बनती रहती है मिट्टी, लेकिन बनने, मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं और ये एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, मृदा एक जीवंत तंत्र है। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मृदा को जीवित तंत्र की उपमा प्रदान की गई है, ये एक प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, कुछ सेंटीमीटर मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा जैव उसी को ह्यूमस भी कहते हैं, और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। ठीक है, अब जो चीज़ें शुरू होती हैं वो इम्पॉर्टेंट, यहाँ से मृदा जो भारत की है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम्स के लिए, इसमें पूछ लिया जाता है जलोढ़ मृदा कितने परसेंट भाग पर है, और कौन सी मृदा सबसे ज़्यादा है, काली मृदा या कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो मैप हम देख चुके हैं, जहाँ ज़रूरत होगा उसे हम फिर से देख लेंगे। जलोढ़ मृदा, यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदाएँ सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी हैं। मतलब कौन कौन से नदियों से, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अच्छा, सिंधु गंगा का तो उत्तरी मैदान हमने देखा था, ब्रह्मपुत्र नदी, चूँकि हमने ये भी देखा है कि जो पूर्वी तट है, जो डेल्टा है, जो पूर्वी तट पर जो डेल्टा है वो सब जलोढ़ मैदान से बने हुए हैं। ठीक है, तो इस वजह से ब्रह्मपुत्र नदी भी,
इसमें हम देख रहे हैं, ठीक है। बाकी आप मैप में देख लें, पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हैं, ठीक है, ये हम देख चुके हैं। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं, ठीक है। किसके किसके? रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएँ दो प्रकार की होती हैं, एक तो पुराना जलोढ़ जिसे बांगर कहते हैं, ये पूछा जाता है बांगर किसे कहते हैं, पुराने जलोढ़ को, ठीक है, और नया जलोढ़ को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। तो अब इनके बारे में जान लेते हैं। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है, खादर मृदा में बांगर की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं, ठीक है। जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है, अधिकतर जलोढ़ मृदाएँ पोटास, फास्फोरस और चूनायुक्त होती हैं। आगे जब एनसीईआरटी के बाद मैं जो इम्पोर्टेंट बुक, जो टेक्स्ट बुक है, जो कंपटीशन की मतलब तैयारी के लिए, मैं उनके भी नोट्स बना रहा हूँ, तो आपको आपके लिए मतलब वो नोट्स भी मैं शेयर करूँगा आगे चल के। लेकिन अभी एनसीईआरटी में क्या क्या है इसे हम पहले कवर करते हैं, ठीक है। ओके, सूखे क्षेत्र की मृदाएँ अधिक क्षारीय होती हैं, तो ये याद रखें, सूखे क्षेत्र की मृदाएँ अम्लीय होती हैं, क्षारीय होती हैं, इस तरीके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सूखे क्षेत्र की मृदाएँ अधिक क्षारीय होती हैं। ओके, काली मृदा के बारे में जान लेते हैं। काली मृदा का देखिए पीछे जलोढ़ मृदा हमने के बारे में बस बेसिक्स जान लिया, समझ लिया कि क्या क्या होता है, किस कितने क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है, ये सब समझ लिया, और विस्तार से हम इसे बाद में समझेंगे। काली मृदा का रंग काला होता है, इसलिए इसे काली मृदा कहते हैं, और रेंगर मृदाएँ भी इसे कहते हैं। काली मृदा कपास की खेती के लिए बहुत उचित मृदा है। ये मृदाएँ दक्कन पठार कहाँ कहाँ पाई जाती है? दक्कन पठार बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है और लावाजनक शैलों से बनी है, ठीक है। जो हमने देखा था कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र का क्षेत्र जो है वो काली मृदा से बना है। आप चाहें तो एक बार हम लोग मैप को फिर से देख लेते हैं यहाँ से। ओके, ये जो क्षेत्र है ये काली मृदा से बना हुआ है, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये काली मृदा से बना हुआ है, ठीक है। ओके, तो हाँ, ये मृदाएँ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती हैं और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों के की घाटियों तक फैली हैं, ठीक है। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी होती हैं, ठीक है। तो ये याद रखें कि महीन कणों से बनी होती हैं काली मृदा। इसकी नमी धारण क्षमता बहुत अधिक है, ठीक है। काली मृदा के बारे में जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें चार पॉइंट दे दिए जाएंगे, उसमें से एक ये भी पॉइंट होगा कि इसकी नमी धारण की क्षमता बहुत अधिक है, ठीक है, ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, इस तरीके से क्वेश्चन फिर पूछा जाता है कि इनमें से कौन कौन सही है। तो इस वजह से मैंने बुलेट पॉइंट में कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात नोट करने की कोशिश की है, तो इस वजह से आप देख लें। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने से परिपूर्ण, परंतु फास्फोरस की मात्रा कम होती है इसमें, ठीक है। तो इसमें किस तत्व की मात्रा कम होती है? फास्फोरस की मात्रा कम होती है अपेक्षाकृत, और कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटास की और चूने से परिपूर्ण होती है काली मृदा। ओके, अब लाल और पीली मृदा के बारे में जान लेते हैं। लाल मृदा दक्कन पठार और दक्षिणी हिस्से में रवेदार लिखा हुआ है, रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई हैं, ठीक है। किन चट्टानों पर? आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई हैं लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदाएं कहाँ कहाँ? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती हैं, ठीक है, इसे आप मैप में देख लें। इन मृदाओं का रंग, लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। तो ये भी पूछा जाता है कि लाल मृदा का रंग लाल क्यों होता है? तो वो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इसका पीला रंग, कहीं कहीं पर इसका रंग पीला भी है, इसका पीला रंग इसमें जल योजन के कारण होता है, ठीक है, जब जल मिल जाता है तो पीला हो जाता है इसका रंग। लेटराइट मृदा, ये लेटराइट शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है, ग्रीक शब्द लेटर से लिया गया है, ठीक है, इसका अर्थ है ईंट। इस मृदा का रंग लाल होता है, लेटराइट का रंग पूछा जाता है, ठीक है, लेटराइट का रंग लाल होता है साधारणतः।
लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। तो ये क्षेत्र भी याद रखें कि लाल जो लेटराइट मृदा है वो उच्च तापमान वाला क्षेत्र होना चाहिए और अत्यधिक वर्षा जहाँ होती हो उस क्षेत्र में लेटराइट मृदा विकसित होती है, बनती है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है, ठीक है। इस मृदा में ह्यूमस मतलब जैव की मात्रा कम ही पाई जाती है, क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। ह्यूमस इसमें जैविक पदार्थ होता है, बैक्टीरिया होते हैं, और जब तापमान अधिक तापमान में पाई जाती है चूँकि लेटराइट, इस वजह से इसमें ह्यूमस जो होता है वो नष्ट हो जाता है, उसमें जो जैविक बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, तो जो ह्यूमस की मात्रा कम मात्रा में पाई जाती है। लेटराइट मृदा में अत्यधिक खाद और उर्वरक डालकर ही खेती की जा सकती है, क्योंकि इसमें ह्यूमस तो होता नहीं है, बहुत कम होता है। इस वजह से ये मृदाएँ मुख्य रूप से कर्नाटक, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? कर्नाटक में केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। लेटराइट मृदा, मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है, ठीक है। अब मृदा संरक्षण हम आगे समझेंगे कि तकनीक होता क्या, कैसे मृदा संरक्षण किया जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदाएँ काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त हैं। यह भी इम्पोर्टेंट है, काजू की फसल के लिए लेटराइट मृदा उपयुक्त है। ओके, इसके बाद है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल एवं और भूरा होता है। ये मृदाएँ रेतीली और लवणीय होती हैं, मतलब इसमें नमकीन होती हैं, ठीक है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पित करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक है। सिंपल सी बात है, अगर शुष्क जलवायु होगी और तापमान ज़्यादा होगा तो जल वाष्प की दर अधिक भाप उठेगी वहाँ से, और मृदाओं में ह्यूमस जो जैव है और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल अंतःस्यंदन, ठीक है, ये हिंदी में बहुत टफ हिंदी लिख दी जाती है, तो इसे आप समझते रहें एनसीईआरटी से, क्योंकि एग्ज़ाम में तो आपके सामने ये शब्द मिलेंगे ही। अंतःस्यंदन, इनफिल्ट्रेशन इसका मतलब होता है, ठीक है। इसके कारण मृदा में जल अंतःस्यंदन मतलब इनफिल्ट्रेशन अवरुद्ध हो जाता, रुक जाता है, ठीक है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। वन मृदा क्या होती है? ये मृदाएं पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपरदन होता है। ये अधिक अधिसिलिक मतलब एसिडिक तथा ह्यूमस रहित होती हैं, ठीक है। इसमें जैव जो ह्यूमस होता है या जैव वो होता ही नहीं है, बन ही नहीं पाता, क्योंकि पानी बहता रहता है और पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ पर होता है तो वहाँ से नहीं बन पाती है, मतलब ह्यूमस नहीं बन उसमें जीवित रह पाता है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में ये मृदाएँ उपजाऊ होती हैं, ठीक है। तो ये देख लिया हमने, इसके बाद मृदा अपरदन और संरक्षण समझ लेते हैं। मृदा के कटाव, देखिए मृदा अपरदन तो हम पिछली एनसीईआरटी में कवर कर चुके, समझ चुके हैं क्या 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 होता है। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं, ठीक है। इसके कई प्रकार हम समझ चुके थे कि जैसे वायु हवा से भी मृदा अपरदन होता है, जल से भी होता है, कटाव से भी होता है, ठीक है। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएँ आमतौर पर साथ साथ चलती हैं, मतलब मृदा अपरदन होता भी रहता है और मृदा बनती भी रहती साथ साथ, और दोनों में संतुलन होता है। परंतु मानवीय क्रियाएं, मतलब जैसे जैसे अपरदन होता रहता है उसी अनुपात में लगभग बनती भी रहती है, लेकिन कभी कभी होता है क्या है कि मानवीय क्रियाएं जैसे कि वनोन्मूलन, वनों को नष्ट कर देना, अति पशुचारण, बहुत ज़्यादा अगर पशु वहाँ पे मतलब चारागाह बना दिए गए तो रोज वहाँ पे चारागाह अगर वहाँ पे जाएंगे पशु तो मृदा नहीं बन पाएगी। निर्माण और खनन इत्यादि के कारण कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है। कौन सा संतुलन? मतलब मृदा के बनने का और मृदा अपरदन के बीच का। तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमानी हिमनदी और जल
मृदा अपरदन करते हैं, पवन हवा में उड़ जाती है, मृदा हिम नदी नदियों में बह जाती है, और जल, हाँ, मृदा अपरदन करते हैं। ठीक है, तो ये कारण हमने समझ लिए। बहता हुआ जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। होता क्या कि जब बाढ़ के समय में नदियाँ आती हैं तो जो कटाव होता है बाढ़ के समय में, जैसे कोई नदी आ रही है तो वो एक गहरी अवनलिकाएं बनाते हुए चली जाती है, तो बाद में क्या होता है कि वो हमेशा बनी रहती हैं, उन्हीं को अवनलिकाएं कहते हैं। ठीक है, ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती, इसे उत्खात भूमि मतलब बैड लैंड कहते हैं। उत्खात भूमि कैसे कहते हैं, जो जब जहाँ पर अवनलिकाएं बन जाती हैं और भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड या रिवाइन भूमि कहा जाता है। ठीक है, कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। कई बार जल जो होता है विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है, जिससे ऊपरी मृदा जल के साथ बह जाती है, इसे चादर अपरदन कहते हैं। सीट इरोजन, ये पूछा जाता है मेंस वगैरह में, सीट इरोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। ठीक है, तो सीट इरोजन क्या होता है, जब पहाड़ी इलाके से नदियां बहकर आती हैं तो अपने साथ में जो पूरी पहाड़ पर की जो मृदा होती है उसको अपने साथ बहा ले आती है, तो इसी को सीट इरोजन या चादर अपरदन कहते हैं, मतलब चादर की तरह उसको उतार ले आती है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहते हैं। ठीक है, ढालू क्षेत्र होता है, हवा लगती है और मृदा उड़ जाती है वहां से। कृषि में गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं, जिससे अंदर बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। तो ये आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई खेत इस तरीके से बना हुआ है और अगर उसे हल उस पर ऐसे चलाया जाएगा, अगर ट्रैक्टर ऐसे चलता है तो उसके अंदर जो गहरी नलिकाएं बन जाती हैं और उनसे जब सिंचाई की जाएगी तो उसमें क्या होगा कि पानी के साथ बहती हुई मृदा वो नीचे के क्षेत्र में आ जाएगी, तो ये भूमि उपजाऊ हो जाएगी और यहाँ पर उपजाऊ पन उसका नष्ट हो जाता है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसी वजह से कहते हैं कि खेत खेत जो है उसकी लेवलिंग की जाती है, उसे बराबर रखा जाता है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लाइन खींच दी है, ये बस यहीं तक ये चैप्टर था, 10th चैप्टर, और काफ़ी यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी, मृदा वगैरह। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, इसे शेयर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए गुड डे।